हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास सिक्स मैथ का चैप्टर सेवन उसकी एक्सरसाइज 7.4 करवाऊंगी। इससे पहले की एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन हमने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है ना, हमने पहले इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। उसके बाद अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर हमने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट आप देखो इसका ए पार्ट में टोटल जो ये पार्ट है एट है, तो एट में से जो थ्री हैं वो कलर्ड हैं, तो ये 3/8 हो गया। टोटल कितने हैं एट, और एट में से कितने कलर्ड हैं, ये सिक्स कलर्ड है। ठीक है, टोटल ये एट है, एट में से फोर कलर्ड है। टोटल ये एट है और एट में से वन कलर्ड है। अब हमने इसको कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे आपको पता है पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, तो पहले हमारा आ जाएगा 1/8। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3/8, फिर आ जाएगा हमारा 4/8, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 6/8। बस आपको इसी तरीके से सिंपल वे में लिखना है। इसी तरीके से हम नीचे वाला ये भी करेंगे, बी पार्ट इसका। टोटल जो है इसमें कितने हैं, नाइन है, और नाइन में से एट कलर्ड है। ये हमारा जो है नाइन है, और नाइन में से इसमें 1, 2, 3, 4 कलर्ड है। ये नाइन है, नाइन में से थ्री कलर्ड है। ये हमारे नाइन है, और नाइन में से सिक्स कलर्ड है। अब भी इसको भी हमने सेम इसी तरीके से लिखना। सबसे पहले क्या आएगा, 3/9, फिर आ जाएगा हमारा 4/9, फिर 6/9, फिर 8/9। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हम इसका करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या करना है, इसके हमें इसको हम नंबर लाइन पे शो करना है। 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बना लीजिए, जैसे कि आपको मैंने पहले की एक्सरसाइज में बताया था, और यहां से स्टार्ट कीजिए। आप यहां पे पहले जीरो लिख लीजिए, फिर 1/6, फिर यहां पर आ जाएगा आपका 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर देखो सेम है, 5/6, 6/6 यहां तक। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा 7/6, उसके बाद 8/6। आपने ये जो है स्केल से बनाना है। ठीक है, अब इस पे ये आप शो कर दो, 2/6 है, ये आपका 4/6 है, 8/6 है, 6/6, इस तरीके से शो कर देना आपने। उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से पुट द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। अब हम इसमें से बताना है जो सही साइन है हमने यहाँ पे वही लगाना है। जैसे 5/6 और 2/6 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 5 और 2 में से 5/6। अब इसमें 3/6 है और इधर हमारा 0 है, तो 3/6 और 0 में से हमारा कौन सा ग्रेटर होगा, 3/6 होगा। ठीक है, उसके बाद 1/6 और 6/6। अब 6/6 का क्या मतलब होता है, 6/6 का मतलब है 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, यानी कि 1/1। अब यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे 1/6 है, तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा हमारा जो है वो, इसके अंदर 1/6 जो है वो ग्रेटर होगा। ऐसे यहाँ पे 8/6 है, 5/6, तो 8 और 5 में से कौन सा ग्रेटर होगा, 8/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सेकेंड पार्ट में भी हमें ऐसे करना है, कंपेयर द फ्रैक्शन द पुट द एप्रोप्रिएट साइन। हमें इसको जो है फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, जैसे कि हमने ऊपर किया है, और जो सही साइन हमने इसके अंदर वो लगाना है। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/6 और 5/6 में से कौन सा ग्रेटर है हमारा, 3 और 5 में से 5/6 ग्रेटर है। अब जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं, अभी तक तो हमने डिनोमिनेटर सेम जो था वो कर रहे हैं, अब जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो हम 1/7 और 1/4 में से कौन सा ग्रेटर होगा। तो जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो जो नंबर छोटा होता है ना उसी को हम फिर हम ग्रेटर कहते हैं, यानी कि इसमें से 7 और 4 में से जो है 4 है वो हमारा ग्रेटर आ जाएगा। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है उसको बड़ा ही बोलेंगे, जैसे 4 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, तो 5 को। अब देखो उसमें न्यूमिनेटर सेम है तो 5 और 7 में से 7 ग्रेटर है, 5 स्मॉलर है, लेकिन 5 को ही हम ग्रेटर बोलेंगे क्योंकि इसमें न्यूमिरेटर सेम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसी तरीके के ना और भी एग्जांपल जो हमें करने के लिए बोले गए हैं कि आप जो है अपनी तरफ से कुछ और एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, जैसे कि हमने वही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया ना, उसी तरीके से करना है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल बना लो यहाँ पे 2/9 और 7/9, तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 7/9 ग्रेटर है। ठीक है, दूसरा बना लो इसमें 1/4 और 1/3, अब इसके न्यूमेरेटर जो है वो सेम है, तो इसमें जो है 1/3 वाला ग्रेटर होगा। इस तरीके से आप और भी बना सकते हो, जैसे कि एक और बना लेते हैं 8/11
और दूसरा है 3/11। तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? अब डिनोमिनेटर सेम है तो 8/11 ग्रेटर है। ऐसे दो तीन आप और भी बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो क्या करने के लिए बोला गया, इस फिगर को हमने देखना है और बताना कि कौन सा ग्रेटर है। इसमें भी सेम साइन वाला ही काम है। अब इसमें हमें नीचे दे रखा है 1/6 ग्रेटर है कि 1/3। वैसे तो हम बता सकते हैं कि 1/3 ग्रेटर है, क्योंकि न्यूमिनेटर अगर हम देखें तो ये हमारा ग्रेटर है, लेकिन आप इसमें से हमें फिगर देख के बताना। फिगर से कैसे पता चलेगा? देखो ये हमारा 1/6 पहले आ रहा है और 1/6 के बाद 1/3 आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा जो है वो ग्रेटर है। यानी कि जो नंबर बाद में आएगा वो ग्रेटर है, ठीक है। 1/6 पहले आ रहा है, उसके बाद अगर ऊपर देखोगे तो 1/3 इसके बाद में आ रहा है। इस तरीके से 3/4 और 2/6 देख लो। 3/4 देखो कहां पर है, 3/4 हमारा यहां पर है और 2/6 कहां पर है हमारा, ये रहा। तो ये नंबर हमारा बाद में आ रहा है ना, तो ये हमारा ग्रेटर है, ठीक है। ऐसे देखो 2/3 और 2/4, 2/3 कहां पे आ रहा है हमारा, यहां पर आ रहा है, ठीक है। और 2/4 कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये नंबर हमारा बाद में आ रहा है ना, तो ये हमारा ग्रेटर है, ठीक है। वैसे इसके न्यूमिनेटर सेम है, पता चल रहा है, ये तो दोनों ही सेम है 6/6 और 3/3। इसका मतलब ये ऊपर एक ही लाइन में होंगे। हाँ ये देखो ये दोनों एक ही लाइन में है, इट मीन्स ये सेम है, इक्वल है। अब 5/6 और 5/5 तो हमारा इधर आ रहा है और 5/6 कहां आ रहा है हमारा, इधर। तो ये वाला हमारा ग्रेटर है जो बाद में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमें इसी तरीके से करना, सारा हमारा साइन के ऊपर यही, आज हमें इसमें सिर्फ साइन ही बताने हैं। हाउ इक्वल कैन यू डू दिस एंड फिल एप्रोप्रिएट साइन। अब देखो न्यूमिनेटर सेम है तो जो स्मॉलर होगा वही हमारा ग्रेटर है। इसमें क्या है, देखो 2/4 और 3/6, इसको अगर हम कट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। जो कट हो सकता है ना उसको कट कर देना, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो एक हमारा 3/5 आ रहा है और एक हमारा आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पे है कोई हमारा 2/3, देखो अगर हम यहां से देख लेते हैं, इसी तरीके से होता है ना यहाँ पे। वैसे तो ये इसके साथ मैच नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ कि 3/5 हमारा इधर आ रहा है, उसके बाद हमारा 2/3 आता है, तो हमारा जो है यही वाला ग्रेटर होगा। आप एक करके भी देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ना आप करके देख सकते हो ऐसे बना के। तो हमारा 3/5 और 2/3 में से हमारा ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 3/4 और 2/8। अगर हम ऐसा फिगर बनाते हैं तो हमारा जो 3/4 तो इधर आ रहा है, अगर हमें 2/8 देखना होगा, अभी तो ये 6 डिनोमिनेटर चल रहा है, उसके बाद 7 डिनोमिनेटर आएगा, फिर उसके बाद 8 डिनोमिनेटर आएगा। जब हम 8 के डिनोमिनेटर वाली इस तरीके की लाइन बनाएंगे तो हमारा 2/8 कहाँ आएगा, पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 1/8 2/8 यानी कि वो पहले आ जाएगा, और 3/4 तो हमारा बाद में आ रहा है, इट मीन्स 3/4 जो है वो हमारा ग्रेटर है, ठीक है। 3/5 और 6/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 6/5 जो है वो ग्रेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 7/9 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी देखो हमें दे रखा है 1/4 और 2/8, तो ये तुम्हारा कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब 6/10 है और 4/5 है, अगर हम इसका बनाते हैं चार्ट और देखते हैं जैसे कि उसमें बता रखा है, तो इसमें से हमें कौन सा जो है वो ग्रेटर मिलेगा। वैसे तो ये तो कट हो जाएगा, 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 2 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब कौन सा है ग्रेटर, 4/5 ग्रेटर है, ठीक है। अब ये देखो ये कट नहीं हो सकते ना, 3/4 ना 7/8, तो हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। अगर हम पीछे वाला देखें 3/4, इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमने देखा है ये, तो 3/4 तो हमारा इधर आ रहा है, और जब 8 डिनोमिनेटर वाला अगर हम करें तो 7/8 हमारा इसके बाद आएगा ना, 6/6। अगर हम नीचे यहाँ पे एक और बना लें, जैसे कि ये है 0/7, मैं बना लेती हूँ नीचे, फिर 1/7 आ जाएगा, फिर 2/7 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, और उसके बाद 8/7, और हमें क्या बताना है यहाँ पे, 7/8 है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने 7 वाला बनाया है, ऐसे अगर नीचे मैं एक और 8 वाला बनाऊंगी तो 7/8 मेरा कहाँ आएगा, 7/8 है वो मेरा इसके तो बाद में ही आएगा, ठीक है। यानी कि 3/4 से पहले नहीं आएगा, 3/4 से बाद में ही कहीं इस साइड पे ही आएगा, तो इट मीन्स हमारा जो 7/8 है वो हमारा ग्रेटर है, ठीक है। 6/10 और देखो ये भी कट जाएगा, 2 3 जा
सिक्स और टू फाइव जा टेन, तो ये हमारा दोनों इक्वल हो गए। अब ये देखते हैं थ्री फाइव जा फिफ्टीन और थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ये दोनों इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी हमें सेम ऐसे ही कट करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आना, जितना है हम इसको मैक्सिमम कट कर सकते हैं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेवन को हम करेंगे, जैसे हमें पहले ए दे रखा है टू अपॉन ट्वेल्व, तो टू जो है हमारा टू के टेबल से चला जाएगा, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो क्या आ गया हमारा वन अपॉन सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, क्या आ गया हमारा वन अपॉन फाइव, एट अपॉन फिफ्टी। अब एट अपॉन फिफ्टी किससे जाएगा, हमारा टू से जा सकता है, टू फोर, टू फोर जा एट, और उसके बाद टू टू जा फोर और टू फाइव जा टेन, तो क्या आ गया हमारा फोर अपॉन ट्वेंटी फोर, ये आगे कट नहीं हो सकता, दोनों सेम टेबल में नहीं आते। सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड, ये हमारा फोर के टेबल से जा सकता है, फोर फोर जा सिक्सटीन, ठीक है। उसके बाद पहले आप टू से भी कर सकते हो, चाहे तो आप टू से कर लो, उसके बाद आप कर लेना, और टू फोर टू जा एट और फोर फाइव जा ट्वेंटी, अभी हमारा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव आ गया। ऐसे ही जीरो से जीरो कट हो जाएगा तो वन अपॉन सिक्स आ जाएगा। फिफ्टीन, फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन और फिफ्टीन थ्री जा हमारा हो जाएगा कितना, फिफ्टीन फाइव जा, फिफ्टीन फाइव जा हो जाएगा हमारा सेवेंटी फाइव, तो वन अपॉन फाइव आ गया। ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, वन अपॉन फाइव आ गया। अब ये हमारा जो है सिक्सटीन चला जाएगा, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन और सिक्सटीन सिक्स जा नाइन्टी सिक्स हो जाएगा, तो यहां पे भी हमारा वन अपॉन सिक्स आ गया। अगर आपको एकदम से बड़े टेबल से नहीं आता तो आप टू से भी कर सकते हो, पहले टू से करके देख लो, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा हमारा ट्वेल्व और सेवेंटी फाइव, तो ये हमारा जा सकता है थ्री के टेबल से, थ्री फोर जा और इसके बाद थ्री टू जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो ये हमारा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव आ गया। उसके बाद ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व और ट्वेल्व सिक्स था सेवेंटी टू, ठीक है, ये भी हमारा वन अपॉन सिक्स आ गया। उसके बाद हमारे दो और रहते हैं, एक है हमारा जे, जे में हमें क्या करना है, ट्वेल्व अपॉन, नहीं जे नहीं है, के है, के है हमारा, के में हमें करना है थ्री अपॉन एटीन, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, ये भी हमारा वन अपॉन सिक्स आ गया। और जो उसके बाद के बाद एक और है हमारा आई, के एल, एल है, एल जो है उसमें फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव लिखा हुआ, वो फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो कट तो हो नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने हमें बोला था क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखने के लिए, अब आप देखो कि वन अपॉन सिक्स हमारा कितनों से आ रहा है, हमारा ए से भी वन अपॉन सिक्स आ रहा है, ई भी हमारा वन अपॉन सिक्स आ रहा है, और सिक्सटीन अपॉन ये भी हमारा, एच भी वन अपॉन सिक्स आ रहा है, ऐसे हमारे वन अपॉन फाइव भी काफी सारे इसमें आ रहे हैं, और फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव भी, इसके हमें ग्रुप बना देने हैं, ठीक है। अब जिस जिसकी वजह से जो जो आ रहा था वो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि हमारा वन अपॉन सिक्स किसकी वजह से आया था, टू अपॉन ट्वेल्व की वजह से हमारा वन अपॉन सिक्स आया है, ठीक है, और किसकी वजह से आया हमारा, टेन अपॉन सिक्सटी की वजह से हमारा वन अपॉन सिक्स आया है, और किसकी वजह से आया है, तो टू टू अपॉन ट्वेल्व, टेन अपॉन सिक्सटी, सिक्सटी अपॉन नाइनटी सिक्स, ट्वेल्व अपॉन सेवेंटी टू और टू अपॉन एटीन से हमारा क्या आया, इन सबको कट जब हमने किया तो हमारा वन अपॉन सिक्स आया। इसी तरीके से इन सबको कट करने से हमारा वन अपॉन फाइव आया, और इन सब फ्रैक्शंस को कट करके हमारा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव आया। तो इस तरीके से हमें जो है ग्रुप में इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखना था। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें करने के लिए बोला गया है, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन से हैं जो इक्वल है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, कुछ टीचर्स हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करवाते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे फाइव अपॉन नाइन है, यहाँ पे फोर अपॉन फाइव है, ये दोनों जो है ना सेम, एक टेबल में फाइव अपॉन नाइन नहीं आता और किसी भी टेबल में फोर अपॉन फाइव नहीं आता, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। और नाइन अपॉन सिक्सटीन है, यहाँ पे किसी भी टेबल में नाइन और सिक्सटीन एक साथ आता है, नहीं आता, ऐसे फाइव और नाइन भी नहीं आता, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल है। फोर अपॉन फाइव और सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी, देखो फोर अपॉन फाइव के हमें बताना है कि इसके इक्वल है कि नहीं है, तो हमें इसके इक्वल ये है कि नहीं है, इसके इक्वल ये है कि नहीं, ये हमें बस इस तरीके से बताना है। तो फोर अपॉन, इज फोर अपॉन फाइव इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी, तो ये हमारा इक्वल हो सकता है, क्योंकि फोर फोर जा सिक्सटीन है और फोर फाइव जा ट्वेंटी है, तो ये भी फोर अपॉन फाइव हो गया, ये भी फोर अपॉन फाइव, तो एक सी है जो हमारा इक्वल है और ना ही हमारा ये इक्वल है, वन अपॉन फिफ्टीन, किसी भी टेबल में फोर और थर्टी नहीं आता। दूसरा तरीका ये है, आप इसमें ऐसे कर सकते हो सभी के अंदर, आपको मैं यहां पे करके दिखा देती हूं कि एक और तरीका है कि जैसे फर्स्ट है फाइव अपॉन नाइन बताना है हमें इक्वल टू है कि फोर अपॉन फाइव के, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब आप फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करते हो और नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करते हो, तो फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव आता है और नाइन फोर से कितना आता है थर्टी टू आता है, तो ये देखो दोनों इक्वल नहीं आए ना।
इसी तरीके से आप इसका बी भी करोगे तब भी आपको ऐसे ही आएगा। लेकिन जब हम इसका सी पार्ट करते हैं जैसे 4/5 और 16/20 क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर करें तो इस तरीके से, तो 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और 16 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा आएगा 80। ठीक है, 24 आ जाएगा 80 और 16 5 भी 80, दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। इसी तरीके से बी पार्ट में जब आप करोगे ना, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। ऐसे 30 को 1 से करोगे और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि जो ईला है वो रीड करती है 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, और जो ललिता है वो 2/5 जो है सेम उसी बुक के जो है वो रीड करती है। तो बताओ किसने जो है लेस रीड किया, वो हमें बताना है। ठीक है, अब 25 पेजेस जो है वो ईला ने किए और ललिता ने 2/5 किए, यानी कि ये तो हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, ये हमें नहीं दे रखा, तो हमें ईला का पैरेलल फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, फिर हम जो है दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक 100 है, नंबर ऑफ पेजेस ईला रीड, ईला ने कितने पढ़ लिए 25 रीड कर लिए, और फ्रैक्शन ऑफ पेजेस ईला रीड। अब ईला ने जो पेजेस रीड किए उसका फ्रैक्शन निकालना है, 25 पेजेस उसने रीड किए, टोटल थे 100, 25 अपॉन कितना हो गया 100। अगर हम इसका फ्रैक्शन करते 25 और 25 4 100 हो जाता है, तो क्या फ्रैक्शन आता है इसका, 1/4 आता है। इसी तरीके से जो ललिता का फ्रैक्शन वो तो पहले से ही दे रखा था 2/5, तो एक हो गया। अगर हम कंपेयर करें 1/5 एंड 2/5, तो किसने जो है वो ज्यादा बुक जो है वो रीड करी है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कंपेयरिंग करके देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, वैसे अगर हम कंपेयर करें कि 1/4 ज्यादा है या 2/5 ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें लिखती हूं यहां पर 1/4, फिर आएगा मेरा 2/4, 3/4 और 4/4 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे हमारा 4 डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 है, 1/5, 2/5, तो कौन सा जो है बाद में आ रहा है, देखो 3/5, 4/5 और 5/5। अब पहले कौन सा पढ़ रहा है 1/4, उसके बाद में कौन सा आ रहा है 2/5, तो जो बाद में आता है हमारा वही हमारा ग्रेटर होता है। तो यानी कि 2/5 जो है वो ग्रेटर है और ललिता ने जो है बुक ज्यादा उसको रीड किया है। ठीक है, तो किसने ज्यादा बुक लेस बताना था, किसने जो है बुक लेस रीड करी, तो ईला ने जो है वो बुक लेस रीड करी, सो ईला रीड लेस पेजेस। तो ये हमारा आ गया 1/4 ग्रेटर, यहां पे आ जाएगा 2/5, तो ईला रीड लेस बुक। ठीक है, ईला ने जो है वो क्या करा, कम बुक को रीड किया, या फिर ईला रीड लेस पेजेस, उसने कम पेजेस को रीड किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है, राफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑन एन आवर, एक घंटे में वो इतनी एक्सरसाइज करता है, रोहित जो है वो एक घंटे में इतनी एक्सरसाइज करता है, कौन जो है लॉन्गर टाइम जो एक्सरसाइज में देता है, कौन ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करता है। तो इसमें भी हमें कंपेयर करना, बहुत ही सिंपल आई, तो क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर सेम दे रखे हैं। राफिक जो एक्सरसाइज करता है 3/6 आवर, रोहित जो करता है 3/4 आवर्स, नाउ कंपेयरिंग। अब देखो इसमें न्यूमिनेटर सेम है, तो जो कम नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर देन होगा, तो 3/4 जो है हमारा ग्रेटर देन हो गया किससे, 3/6 से। तो कौन जो है ज्यादा टाइम देता है, रोहित जो है वो ज्यादा टाइम इसमें देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 100 लिख के, उसके बाद हम लिखेंगे देयर फोर रोहित एक्सरसाइज फोर लॉन्गर टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना, देखो इन अ क्लास ए ऑफ 25, एक क्लास में ए है जिसमें 25 स्टूडेंट है और 20 जो उसमें से पास्ट हैं विद 60% और मोर मार्क्स, मतलब 20 पास्ट हुए हैं किससे, 60% मार्क्स आए हैं कईयों के, उससे ज्यादा भी आए हैं। इन अनदर क्लास बी में क्या है, 30 स्टूडेंट है जिसमें से 24 पास्ट है, यहाँ पे ए में 25 में से 20 पास्ट हैं और बी में 30 में से 24 पास्ट है, इसमें भी 60% और मोर मार्क्स आए हैं, कौन सी क्लास में, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, कौन सी क्लास का जो है हमें ग्रेटर फ्रैक्शन है वो बताना है ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको इसी तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए जो है वो 25 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास है 20 है,
अब हमें पहले ए क्लास का फ्रैक्शन निकालेंगे, जो है पास स्टूडेंट है और जो टोटल जो क्लास में बच्चे हैं 25 स्टूडेंट है, तो हम उसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे किससे, 5 से। 5 फोर जा 20 और 5 फाइव जा 25, तो 4/5 फ्रैक्शन इसका आ गया। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी में जो है 30 है और उसमें से जो पास है वो 24 है, तो अगर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पासिंग बी का निकालेंगे तो 24/30 आ जाएगा। ये हमारा कौन से टेबल से जा सकता है, 6 से कर सकते हैं इसको हम, 6 फोर जा 24 हो जाएगा और 6 फाइव जा 30 हो जाएगा, तो 4/5 आ गया। ये दोनों का ही सेम आ गया, ये भी 4/5 आ गया, ये भी 4/5 आ गया, तो दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। तो हम इसमें लास्ट लाइन लिख सकते हैं, सो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग फर्स्ट क्लास इन क्लास ए एंड क्लास बी। क्या लिखेंगे, सो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग फर्स्ट क्लास इन क्लास ए एंड क्लास बी, यानी कि दोनों क्लासेस का जो फ्रैक्शन है वो सेम ही है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।